त्रेवीं कहानी यीशु दा जन्म। यूसुफ नां दे एक धर्मी माणू दे कन्ने मरियम दी कड़माई होई दी ही। जिसले उसने सुनिया कि मरियम गर्भवती है ते ओ जानदा हा कि उदा बच्चा नहीं है, लेकिन ओ मरियम गी बदनाम नहीं करना चाहता हा, इस करी उसने उदे उपर दया करने दी ते उसी चुपचाप फारगती देने दी सोची। लेकिन इदे कोला पहले के ओ इयां करदा, एक स्वर्गदूत ने ओदे सोहने च आईए ओदे कन्ने गल कीती। उस स्वर्गदूत ने ओदे कन्ने आख्या, हे यूसुफ, मरियम गी अपनी घरेआली दे रूप च लेइए आने गी नहीं डर। ओदे कोल जेका बच्चा है ओ पवित्र आत्मा दी तरफा है। ओ एक पुत्र गी जन्म देगी, ओदा नां यीशु रख्या, जेदा मतलब है यहोवा बचांदा है, क्योंकि ओ लोकें गी उंदे पापें कोला बचाग। ते यूसुफ ने मरियम कन्ने ब्याह कीता ते उसी अपने घरेआली दे रूप च घरे लई आया, लेकिन उदे बच्चे गी जन्म देने तकर ओ उदे कन्ने नहीं सुता। जिसले मरियम दा जन्म देने दा समा कोल हा ते उसने ते यूसुफ ने बैतलम जाने दी एक लम्मी यात्रा कीती। उन्हें उत्थे जाना गे हा कि के रोमी अधिकारी इजराइल च रोने वाले सारे लोकें दी गिनती कराना चाहता हा। ओ चाहते हे कि सारे लोग उत्थे जान जिथे उंदे दादे परदादे रोंदे हे। राजा दाऊद दा जन्म बैतलम च होया हा ते ओ मरियम ते यूसुफ दोने दा पूर्वज हा। मरियम ते यूसुफ बैतलम गए, लेकिन उत्थे जानवरें गी रखने वाली जगह दे बगैर उंदे ठहरने आस्ते कोई जगह नहीं ही। उवे जगह ही जिथे मरियम ने अपने बच्चे गी जन्म दिता, उसने उसी गोड़ लटाया, क्योंकि उत्थे उंदे आस्ते कोई बिस्तरा नहीं हा। उन्हें उदा नां यीशु रखिया। उस राती उत्थे कोल दे खंभे दे कोल किश गुआल अपनी भिड्डें दे झुंडे दी राखी करा दे। अचानक गे एक चमकदार स्वर्गदूत उंदे उपर जार होया ते ओ डरिए। उस स्वर्गदूत ने आख्या, नहीं डरो, क्योंकि मेरे कोल थोड़े आस्ते शुभ सुनेहा है। बैतलम च मसीह स्वामी दा जन्म होया है। जाइए उस बच्चे गी तुप्पो ते तुस उसी कपड़े च लपोटे दा ते गोड़ च लेटा मिलग। अचानक गे अंबर स्वर्गदूतें कन्ने भरोईया। ओ परमेश्वर दी स्तुति करा दे। उन्हें आख्या, सारी महिमा स्वर्ग च हाजिर परमेश्वर गीत हुए, धरती उपर उन्हें लोकें गी शांति हुए जिदी ओ चेता करदा है। उसले स्वर्गदूत चलिया ते ओ गुआल भी अपनी भिड्डें गी छड्डिए बच्चें गी दिखने गए। उसे बेले ओ उस जगह उपर पुजे जिथे यीशु हा ते उन्हें उसी गोड़ च लेटा दिखया, जियां कि ओ स्वर्गदूत ने आख्या हा। ओ बड़े गे उत्साहित हे। उसले ओ ग्वाल वापस उत्थे गए जिथे उंदी भिड्डां हां। उन्हें जे किश भी सुनिया ते दिखिया ओ सारे आस्ते ओ परमेश्वर की स्तुति करा दे। चढ़दी आला बखियां दूर एक देश चां किश मर्द हे। उन्हें तारे दे ज्ञान की पढ़ाई की ही ते ओ बड़े बुद्धिमान है। उन्हें एक अजीब तारे की अंबर च दिखिया। उन्हें आख्या कि इहदा मतलब है कि यहूदियों दे एक नवे राजा का जन्म होया है, इस करी उन्हें उसी बच्चे की दिखने आस्ते अपने मुल्क का यात्रा करने का फैसला लेता। एक लंबी यात्रा करने के बाद वह बैतलम आए तो उस करे गी तुपया जिथे यीशु के माँ प्यो रुके दे। जिसले इन्हें माणुए यीशु की अपनी माँ के कन्ने दिखाया तो उन्हें गोडे टेकिए उदी आराधना की। उन्हें यीशु की कीमती तोहफे दिते, पी ओ घर वापस आईए।